क्वेश्चन है द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी है, एक लंबी सी एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है. व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस वन एंड x प्लस वन, हम उसको x माइनस वन से भी डिवाइड कर रहे हैं उस पॉलिनोमियल को, और x प्लस वन से भी डिवाइड कर रहे हैं, और रिमाइंडर जो आ रहा है 5 आ रहा है इन केस अगर हम x माइनस वन से डिवाइड कर रहे हैं, और 19 तब आ रहा है जब हम x प्लस वन से पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, आपको ए और बी की वैल्यू निकाल करके दिखानी है, एंड फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एफएक्स, ये जो एफएक्स आपको दिया है ना, अगर आपकी ए और बी की वैल्यू आ जाती है, फिर आप यहां पर ए और बी की वैल्यू को रख देते हो, तो फिर उसके बाद डिवाइड करना है कि एक्स माइनस टू से डिवाइड करने पर क्या आएगा, ये दिखाना है. तो सिंपली हमको जो दिया है, अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका. तो सॉल्यूशन में हमारे पास में हमें f x तो गिवन ही है ना, गिवन है x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर माइनस ax प्लस b, ये पूरा हमको f x दे रहा है. f x क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, और पॉलिनोमियल बहुत सारे टर्म्स है, पॉलिनोमियल है, और अब आपने डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से उसको डिवाइड करना है. तो हम इसको सपोज कर लेते हैं, लेट px x माइनस वन, ठीक है, x माइनस वन, लेट x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू वन, ये आ गया हमारे पास में px से x की वैल्यू को. अब अगर हमने px में से जो x की वैल्यू निकाली है अगर उसे fx में रख देते हैं तो ये पता चल जाएगा कि px से डिवाइड करने पर fx पे क्या रिमाइंडर बचता है, इसे रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है. तो अप्लाइंग करेंगे अब हम रिमाइंडर थ्योरम को, और यहां पर लिखेंगे f 1, क्योंकि हमने px से x की वैल्यू 1 निकाली है और अब हम इसे fx में रखने जा रहे हैं, तो इससे क्या निकलेगा कि अगर आप px से fx को डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर बचता, वो आपको ऑब्टेन होगा 1 की पावर 4 2 1 की पावर 3 प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस a 1 प्लस b, ये रिमाइंडर बचेगा व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय px. 1 की पावर 4 होता है 1, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 2 जा 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 3 जा 3, और ये आपका a है, a 1 जा a प्लस b, तो ये आपके पास में आ गया है 3 में, यहां पर हो गया 3 प्लस 1 4, 4 में से 2 गया 2 माइनस a प्लस b, ये रिमाइंडर आपके पास में आ गया है व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय px. रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन fx इज डिवाइडेड, किससे डिवाइड किया था हमने, बाय px is equals to 2 minus a plus b. अब according to question अगर हम देखें, question के अनुसार अगर हम देखें तो ये remainder कितना होना चाहिए, जब x minus 1 से इसको divide करेंगे तो remainder होना चाहिए 5, तो इसकी value होनी चाहिए 5. 2 minus a plus b is equals to क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, correct. तो अब हम इस 2 को सर ले लेते हैं ताकि ए बी सब रह जाए, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 3, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हमने ऑब्टेन कर लिया. अब हम सेम यही सब कुछ करेंगे जब x प्लस 1 fx को डिवाइड करते हैं, तो फिर हमारे पास में fx तो वही है, x की पावर 4 माइनस 2 x का 3 प्लस 3 x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, ये आपके पास में fx दिया है, पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है. अब आपने डिवाइड करना है x प्लस 1 से डिवाइड करना है ना, तो इसको हम qx सपोज कर लेते हैं, लेट qx इज इक्वल्स टू x प्लस 1, लेट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1, आपने qx में से x की वैल्यू को निकाल लिया.
अब आप अगर qx में से x की वैल्यू को निकाल करके fx में डालोगे तो क्या आएगा आपके पास में, वो रिमाइंडर आएगा जब आप qx से fx को डिवाइड करते, वो वाला रिमाइंडर आएगा। तो वही करते हैं हम लोग, f माइनस वन रख लेते हैं यहां पर, तो यहां पर माइनस वन की पावर फोर माइनस टू माइनस वन की पावर थ्री प्लस थ्री माइनस वन का स्क्वायर माइनस ए, अब x की पावर माइनस वन प्लस बी। ये हमने qx में से जो x की वैल्यू को ऑब्टेन किया था वो हमने fx में रखा। अब हमें पता है माइनस वाले का अगर इवन पावर लगाओ तो पॉजिटिव हो जाता है, और वन की पावर तो हमेशा वन होता है, यानी कि माइनस की पावर फोर, वो फोर पावर इवन है तो उसे प्लस तो होना ही है, और वन का पावर कुछ भी हो वो वन मिल जाएगा। तो अब हम इसके बाद में हमने देखा कि यहां पर माइनस वन की पावर क्यूब है, और हमें पता है माइनस की पावर अगर ऑड हो तो माइनस में आना चाहिए उस आंसर को, तो ये माइनस तो ये रहा, ये टू ये रहा। अब इसको सॉल्व कर ले, माइनस वन की पावर थ्री, तो हमने देखा कि माइनस वाले की पावर क्यूब है, दैट मींस कि माइनस की पावर ऑड है, तो ऑड पावर जब होती है तो माइनस ही रहेगा, वन का क्यूब तो आप जानते हैं वन होता है, वन की पावर कुछ भी हो वन होता है। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि इवन पावर और वन का तो हमेशा वन ही रहता है, वन का स्क्वायर कर लो चाहे क्यूब कर लो या वन की पावर कुछ भी लगा लो आपके पास वन रहेगा। अब यहां माइनस माइनस या प्लस ए, मैंने अब यहां कोई पावर नहीं है ना, तो अब आराम से इंटू कर सकते हो इन लोगों को, माइनस माइनस या प्लस ए बन जा ए, तो ये आ गया आपके पास में एफ माइनस वन रखने पर वैल्यू आ रही है, ये वन हो गया, माइनस माइनस या प्लस हो गया, टू वन जा टू हो गया, ये थ्री हो गया, प्लस प्लस या प्लस, थ्री वन जा थ्री, और ये ए हो गया, और यहां पर b हो गया। देखिए मैंने क्या किया, प्लस वन ये लिखा, अब यहां पर इन दोनों के बीच में ये ब्रैकेट है तो इनको इंटू करना चाहिए, माइनस माइनस या प्लस, टू वन जा टू, ऐसे यहां पर हमने लिखा प्लस प्लस या प्लस, थ्री वन जा थ्री, ये प्रोडक्ट में थे ना ये लोग प्रोडक्ट में, और यहां पर प्लस a और यहां पर प्लस b आ गया, तो अब हमारे पास में आ चुका है ये सिक्स प्लस a प्लस b, ठीक है ना। तो ये निकाला क्या है हमने, ये निकाला है रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय qx, देयरफॉर ये रिमाइंडर है आपका, रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय qx, और वो निकला कितना है 6 प्लस ए प्लस बी, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये 6 प्लस ए प्लस बी होना चाहिए इज इक्वल टू 19, क्योंकि हमें साफ साफ क्वेश्चन में कहा गया था कि व्हेन एफएक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन तो रिमाइंडर क्या आएगा 19, जब एक्स माइनस वन ने डिवाइड किया था तो रिमाइंडर आया था 5, और एक्स प्लस वन डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा 19। अब ये हमारा इक्वेशन बन रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू 19 माइनस 6 यानी कि 13, ये अब हमारा सेकेंड इक्वेशन आ चुका है। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑब्टेन किया, हमने सेकेंड इक्वेशन ऑब्टेन किया, अब हम इन दोनों इक्वेशन को यूज करके a और b की वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। तो चलिए अब हम इस फर्स्ट इक्वेशन को और इस सेकेंड इक्वेशन को लेकर के सॉल्व करते हैं ना, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारे पास में, था माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 3, और सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारे पास में, ए प्लस बी, ये आपका b है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 13, ए प्लस बी इज इक्वल टू 13। तो हमने यहां लिख दिया, हमने करा क्या है, एडिंग किया है इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को, हमने ऐड कर दिया। यहां पर ऐड करने से क्या होगा, ये प्लस ये माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएगा ना, माइनस ए और प्लस ए को कभी भी ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा,
b प्लस बी 2b हो जाएगा और 3 प्लस 13 16 हो जाएगा, तो b की वैल्यू हो जाएगी 16 अपॉन 2, ठीक है ना। तो यहां कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 8, कैसे निकाला इस 2 को नीचे लाया हम लोग है ना, तो यहां पर 8 आ जाएगा। अब हम इस 8 को किस में रखेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में जो आपको इजी लगती है, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में b की वैल्यू को 8 रख लीजिए, चाहे आप सेकंड इक्वेशन में b की वैल्यू को 8 रख लीजिए। तो b का वैल्यू को 8 को हम फर्स्ट इक्वेशन पे या सेकंड इक्वेशन में पुट अप करेंगे और a की वैल्यू को निकालेंगे। तो हम कर रहे हैं पुट b is equals to 8 इन इक्वेशन, हम सेकंड पे रख लेते हैं, करेक्ट, सेकंड पे रख लिया हमने, सेकंड पे इसलिए रखा क्योंकि यहां सब पॉजिटिव दिख रहा है ना, वहां पर माइनस a वगैरह दिखाई दे रहा है, तो हमने सेकंड पे रख दिया। तो सेकंड इक्वेशन में a प्लस b की जगह पे क्या आना चाहिए, a is equals to 13, तो a is equals to 13 minus 8, क्योंकि a को आप इस तरफ लेकर के आएंगे तो a की वैल्यू भी आपके पास में आ जाएगी 5, तो b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई। अब हमने इस fx में उसको सब्स्टिट्यूट करना है और फिर उसको x minus 2 से डिवाइड करना है। Therefore, अब fx हमारा प्रॉपरली क्या हो गया, x की पावर 4 माइनस 2, x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस a की जगह पे आप कौन आ जाएगा 5x, 5 आ जाएगा, x भी है यहां पर, अब b की वैल्यू है वहां पर आगे प्लस b है, b हम निकाल चुके हैं, a ये आ गया। अब हमें करना क्या है, is divided by x minus 2, ठीक है। Now divide fx by x minus 2, इससे divide करते हैं, तो हमें तो divide आता है x minus 2 से, fx को सिर्फ divide करना है और x की power 4 minus 2x की power 3 plus 3x की power x का square minus 5x plus 8, हमने fx की value को लिखा ये, और अब हम x minus 2 से उसको divide करेंगे। अब डिवाइड करना है तो हमें पता है यहां पर क्या लिखना चाहिए, x क्यूब, सॉरी x x क्यूब जा x 4 प्लस का माइनस होना है ना, जो भी नीचे आता रहेगा उसका साइन चेंज होता रहेगा ना, तो x x क्यूब जा x 4 और प्लस का माइनस हो जाएगा, यहां पर साइन चेंज हो जाएगा। हमने प्लस कहां से लाया ऊपर वाला, क्योंकि ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस जा प्लस आएगा। अब माइनस टू एक्स क्यूब जा माइनस टू एक्स क्यूब, या इसका साइन बदलेगा, ये दोनों कैंसिल हो। अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए 3x स्क्वायर, यहां कुछ नहीं था यहां प्लस था, अब मुझे क्या करना है, प्लस 3 से इंटू करना है और x से भी इंटू करना है, तो ये आ जाएगा, पहले तो इसको लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, जो भी ऊपर बचता है उसको नीचे उतार लीजिए, उसका साइन चेंज नहीं करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास में x 3x जा 3x स्क्वायर प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब माइनस 2 3 जा माइनस 6x, फिर ये प्लस हो जाएगा क्योंकि नीचे जो भी आएगा उसका साइन चेंज होगा, तो हो जाएगा प्लस x प्लस 8, क्योंकि 6 में से 5 गया यहां बचेगा 1 1x प्लस 8, फिर हम इसको क्या करेंगे 1 जा करते हैं x 1 जा x माइनस 2 1 जा माइनस 2, फिर दोनों का साइन हम चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया प्लस 10 इसका रिमेंडर। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा लेंथी है बस, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वहां पर आपको दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। हाँ।